हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग जाग रहा होता है कैफियत होती है जो वेकफुलनेस और स्लीपफुलनेस के दरियान है हम लेटते हैं हमें ऐसा लगता है हमारे सीने पे कोई चीज़ वजन डाल रही है कुछ सेकंड्स होल्ड करने के बाद फिर आप उठ पाते हैं हमने अपने टाइम केजुल नींद को इतना कम दिया हुआ है हम रात को चार चार पाँच पाँच बजे सो रहे हैं हमारी बॉडी की रेस्ट पूरी हो जाती है और हमारा दिमाग जागता रहता है असल मे वीमन मेरा नाम माफि मलिक है बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफस्यात हूँ आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है आ, सोते वक्त हमारे सीने पे बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होता है हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग जाग रहा होता है हम सो रहे होते हैं लेकिन हमसे हिला नहीं जाता यानी कैफियत होती है जो वेकफुलनेस और स्लीपफुलनेस के दरमियान है मतलब हम सो भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं लेकिन हमें ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा इसको हम क्या कहते हैं हमारी ज़ुबान में इसको स्लीप प्रॉलिस कहा जाता है स्लीप प्रॉलेसिस क्या, क्या है और इसकी वजूहत क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे सबसे पहले ये होता क्यों है स्लीप स्लीपेस क्या है बेसिकली हम जब सोते हैं हम लेटते हैं हमें ऐसा लगता है हमारे सीने पे कोई चीज़ वज़न डाल रही है हमसे उठा नहीं जाता हमारी टांगों में या हाथ नम होना शुरू हो गए हैं और हमसे वजन नहीं अपने जिसम पे डाला जा रहा कुछ सेकंड्स होल्ड करने के बाद फिर आप उठ पाते हैं ठीक है या इस तरह की कैफियत है कि आप बााहिर सो रहे हैं आपकी बंद बंदे लेकिन दिमाग आपका जाग रहा है और आपको आपके पास कोई बैठा है वो कॉन्वर्सेशन कर रहा है आपको सब कुछ फील हो रहा होता है क्योंकि आपका जहन सुकून में नहीं है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती और आप स्लीप पैरालिसिस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और इसके पीछे वजूहत बहुत कॉमन है लेकिन वो कॉमन जो वजूहत हैं वो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग लेकर चल रहे हैं कि वो इतनी रिल्कटेंट हो गई हैं कि हमें समझ नहीं आता ये मसला क्या हो रहा है सबसे पहली वजह हमारा इंसोमिया हमारी नींद डिप्रीवेशन जो स्लीप डिप्रीवेशन है हमने अपने टाइम केजुअल नींद को इतना कम दिया हुआ है हम रात को चार चार पाँच पाँच बजे सो रहे हैं और सुबह हमने जॉबियंस हैं तो आठ नौ बजे उठ जाना है ठीक है हमारा स्लीप पैटर्न इतना डिस्टर्ब है रात सारी हम सोते नहीं हैं या दिन में सोते रहते हैं अब ये देखें ये scientifically भी एक cycle है, है, तो है।, है। कि हम सारी रात जाग रहे होते हैं और सारा दिन हम सो रहे होते हैं तो ऑबियसली आपकी बॉडी इस चीज़ की एक्सेप्टेंस में नहीं आती उसके लिए सबसे पहली वजह ही ये कि हमारी स्लीप डिप्रिवेशन है हम दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो है वो अपने पैटर्न्स को प्रॉपर्ली स्केजुअल नहीं करते हमने कोई स्केजुअल नहीं रखा रात को इतने बजे लेट जाना सुबह इतने बजे उठ जाना है हम अपनी मर्ज़ी से अपने पैटर्न डिस्टर्ब करते हैं हमारी डाइट भी इफ़ेक्ट करती है और सबसे बड़ी चीज़ वही बात आ जाती है कि आप अपने पैटर्न को बेहतर नहीं करते हैं या कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है ठीक है कोई मेडिकल मसला है किसी वजह से आपको नींद डिस्टर्ब हो गई है तो वो भी स्लीप पैरालिसिस का बायस बन सकती है अब जी डायग्नोस किस तरह से होता है जैसे मैंने पहले कहा कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है अपनी चर्च पे हमारी बाज़ू और टांगों में ऐसे लगता है जान ही नहीं है वज़न ही नहीं है हमसे कुछ सेकंड्स होल्ड करके उसके बाद हम उठते हैं तो ये जब डायग्नोसिस आपको समझ आ रही है आपको पता है कि आपके पेट्रेन डिस्टर्ब हैं तो अब हमने इस चीज से निकलना कैसे है ठीक है सबसे आसान तरीका जो आप लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं देखें अगर आप लोग किसी भी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो आप दो हफ्ते पंद्रह से बीस दिन या स्पेशली दो हफ़्ते अगर आप रेगुलर करें ना तो आपको उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है सबसे पहली चीज़ अपने स्लीप पैटर्न को बेहतर बनाएं यानी आपने रात के सोने का टाइम फिक्स करें और सुबह उठने का टाइम फिक्स करें कुछ भी हो जाए बेशक रात को आप लेट सो रहे हैं लेकिन आपने सुबह उठना अपने टाइम पर सबसे पहली चीज़ ये दूसरी चीज़ ये कि अपने रूम इन्वायरमेंट को काम रखें टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए शोर नहीं होना चाहिए लाइट्स बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपका रूम इनवायरमेंट होना चाहिए तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सारा दिन कोशिश करें कम लेटें नैप ले लें पंद्रह बीस मिनट आधा घंटे का लेकिन सारा दिन लेटे ना रहें हम लोग क्या सारा दिन रेस्टलेस रहते हैं और रेस्टलेस रहने की वजह से हमारी बॉडी की रेस्ट पूरी हो जाती है और हमारा दिमाग जागता रहता है ठीक है इसीलिए रात को फिर हम डिस्टर्ब रहते हैं और उसके बाद चौथी चीज अपनी डेली लाइफ इफ में एक हेल्दी एक्टिविटी यानी एक फिजिकल एक्टिविटी लास्ट में रखें जिसकी वजह से आपका माइंड भी थोड़ा सा हेल्दी जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रेस हेल्दी स्ट्रेस के जरिए आपका माइंड थोड़ा थकता है तो आप रात को सुकून के लिए इजी होते हैं उसके बावजूद अगर लेटते वक्त आपको प्रेशर फील होता है तो अपना एक हाथ स्टमिक और एक हाथ बैली पर रख के स्ट्रेट आप लंबे और गहरे सांस दे सकते हैं क्योंकि ये जो मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर स्लीप ठीक है sleep, तो आप इन हेल्दी टिप्स को करें इसके बावजूद अगर आपकी स्लीप नहीं बेहतर हो रही तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कंसल्ट करें किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के साथ अगर किसी मेडिकल इशू का मसला है तो उस इशू को पहले रिजोल्व करें ना कि नींद की गोलियाँ खाना शुरू करें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिन्हें स्लीप स्लीपोरॉलिस हैं या नींद के मसाइल हैं अगर वो उसकी रूट उंड को फाइंड आउट कर लें तो वो अपने इन मसाइल से बच सकते हैं थैंक यू सो मच